So hello everyone, welcome to Tuition Friend. Today we are going to discuss this third topic, that is Marthandam experiment in the rural development, right, of unit 2. So Marthandam experiment is all about like how the rural villagers have been improvised their living, right. So basically this was started in 1921. हमने देखा कि हमारा जो श्रीनिकेतन था 1914 में स्टार्ट हुआ, देन हमारा ऊपर जो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट था वो 1920 में स्टार्ट हुआ एंड नाउ दिस इज स्टार्टेड इन 1921, राइट. सो लर्न दिस हायरार्की फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आप हायरार्की याद रखोगे तो वहां पे आप भूल नहीं पाओगे, राइट. एंड यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, वॉट एवर दे कैन आस्क. और इसके अंदर आपकी सारी चीजें याद भी रहेंगी, क्योंकि बेसिकली बहुत सारी चीजें आर कोरिलेटेड, राइट. क्योंकि सभी चीजों में हमने जो फोकस किया है वो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट को लेके किया है, राइट. नाउ दिस वाज स्टार्टेड इन 1921 बाय द ऑस्पिसियस ऑफ YMCA मार्थंडम, राइट. सो दिस वाज बेसिकली स्टार्टेड इन द ट्रेवंकोर इन केरला, राइट, बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच. सो ये डॉक्टर स्पेंसर हैच ने स्टार्ट किया, जो कि एक अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे, सोशियोलॉजी में काम करते थे. एंड फंडामेंटल एम क्या था इस प्रोग्राम का, कि वो बेसिकली पांच फील्ड पे काम कर सके, दैट इज फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल. सो ये पांच फील्ड इन्होंने सोचे कि इन पांच फील्ड को हम लोगों को इम्प्रूव करना है इन रूरल एरिया. सो दे हैव फोकस्ड ऑन दैट. सो फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पे इन्होंने फोकस किया. और डॉक्टर हैज इम्प्लीमेंटेड एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन. सो उन्होंने जो काम किया है वो सारे फील्ड में बराबर किया है. लाइक He has not focused himself in a particular field, but rather he has done work in every field. That is agriculture, public health, and education. So, हर field में उन्होंने काम किया है. That is why the Marthandam experiment is very very much unique, right? बाकी in this center, prize bowls and gourds, model beehives, demonstration plots for improving grain and vegetable seeds, poultry with prize laying hens, a weaving shed, etc. So basically इन लोगों ने काम क्या किया था कि goats और bulls को वहाँ पर थोड़ा उनकी breed को सही करना, beehives एक जो मधुमक्खी का जो पालन होता है उनको थोड़ा improve करना, and जो grain की variety है and vegetable seeds को थोड़ा improve करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा earning कर सकें villagers, right? Now the poultry with prize laying hens, that means कहीं ना कहीं वो उन लोगों ने जो फोकस किया था वो उस पर फोकस था कि जो हैन जो आपका एग लेइंग करती है, दैट कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट. आ वीविंग शेड, राइट. नाउ द एंड अ वीविंग शेड मतलब जो बुना हुआ एक हमारा छत्ता होता है, राइट. नाउ इट ऑल्सो वर्कड फॉर इम्प्रूविंग लिटरेसी, जो कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने ऑलराउंड डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन में. तो अभी हमने देखा कि उन्होंने एग्रीकल्चर में काम कर दिया. Now he has done work in improving literacy, that means in the education field. On weekly market day, it set up a portable tent with teaching equipments and exhibits with better poultry and livestock. That means वो हर वीक पे क्या करते थे, जब भी मार्केट डे होता था, जैसे मार्केट लगती है कहीं भी विलेज में, so he used to take that portable tent there and just start teaching, right? So वो teaching equipment को लेके दे जाते अपने साथ में and starts teaching there. So the center also promoted the cooperative and the society developed the improved breeds of egg layers and good bees. So basically इस पूरे के पूरे Marthandam experiment हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो focus किया है वो सभी चीजों पे किया है. उसके साथ साथ उन्होंने जो egg की breeds हैं उनको भी improve किया है, और जो मधुमक्खी हैं उनकी breeds को भी बेहतर बनाने की कोशिश किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके शहद में और जो हमारे एग होते हैं, राइट. सो दैट द विलेजर्स कैन अर्न मोर एंड कैन सर्वाइव मोर इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट. नाउ इट असिस्टेड द पीपल फॉर मार्केटिंग देयर प्रोड्यूसेस थ्रू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली अब उन्होंने असिस्ट किया विलेजर्स को, सो दैट दे कैन मार्केट देयर प्रोड्यूसेस थ्रू कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है. सो उन्होंने उन लोगों को एजिस्ट किया कि आप लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपना जो मार्केटिंग है वो करो, राइट. इन 1939 द एग सेलिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, राइट. 1939 तक उन लोगों का काम इतना अच्छा हो गया था कि वो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी की तरह काम करने लगे थे, राइट. दे डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लाइक स्टेक होल्डर्स एट दैट टाइम, अगर हम आज की भाषा में बात करें. They were self-sufficient, right?
Another society, Honey Club, was also found. The society cured the honey brought by villagers and marketed cooperatively. So basically, the similar things the honey on the Honey Club was implemented, right? So they also used to market their produces through the cooperative organization. उसी के साथ साथ में इन लोगों का भी मतलब काम अच्छे चल पड़ा. एंड देयर वर बुल क्लब्स, वीवर्स क्लब्स एक्सेट्रा. दीज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर स्टिल कंटिन्यूड बाय YMCA एंड रूरल डेवलपमेंट इज टेकिंग अप आर टेकन अप इंटेंसिवली, राइट? सो ये अभी तक काम चल रहा है इन लोगों का, राइट? सो बेसिकली हमने देखा कि इन लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है वो हर फील्ड में किया है. बेसिकली इम्प्रूवमेंट किया है सीड में, एग लेइंग में, एंड द बी जो बी जो शहद देती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया. सो बेसिकली द ओवरऑल डेवलपमेंट वॉज देयर एज वेल एज वो टाइम टू टाइम वो जब भी वीकली ऑफ होता था वो विलेजेस में जाके अपना टीचिंग इक्विपमेंट को ले जाके उनको पढ़ाने की भी कोशिश करते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे दैट इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल. नाउ मूविंग अहेड वी हैव दिस अनदर एक्सपेरिमेंट, दिस बरोदा एक्सपेरिमेंट इन विच वी विल डिस्कस दैट दिस वॉज स्टार्टेड बाय वी टी कृष्णमाचारी. सो वीर टी कृष्णमाचारी ने स्टार्ट किया था एंड ये स्टार्ट हुआ था 1932 में. सबसे पहला 1914, then second one was 1920, then 1921, now 1932. So this was started by V.T. Krishnamachari, right? And the objective was to development of rural area. So basically we are just discussing here the rural development. So sabhi mein hi sare programs mein hum log rural development ko hi focus karenge. So inka bhi wahi tha objective ki rural development kiya jaye. And the program tried to promote development in different fields of rural life in order to sustain the livelihood security and an economic protection of the rural masses. So basically the main focus was so that they can just develop the different kind of fields in the rural life, jisse ki unki jo life hai wo behtar ban sake aur unki ek security, livelihood security ban sake, like they can have their own earning and kind of management for their life, right? And an economic protection of the rural masses. Now the main aim of the program was improvement in the standard of living of the rural people and to develop the sense of self-help and self-reliance among the rural masses, right? So that means the main aim was ki improve kiya jaye unki rural living ko aur unme ek sense ko develop kiya jaye self-help mein. Aap dekhoge ki hum agli unit mein padhenge jo self-help groups hote hain, basically they were formed among the same kind of society jo ki ek dusre ki help karte hain. तो उनका भी वहाँ यही मोटो था कि वो लोग एक साथ आए, एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझें एंड दे यूज टू हैव द सेंस ऑफ सेल्फ हेल्प एंड सेल्फ रिलायंस, कि मतलब वो एक दूसरे पर ही मतलब गांव के गांव में सारी चीजें वो उगा के भी और उसको यूटिलाइज भी कर सकें. द मूवमेंट ऑफ बड़ौदा एक्सपेरिमेंट वॉज इनिशिएटेड इन द विलेजेस ऑफ कोसंबा. सो ये एक मेन चीज है कि ये कोसंबा के विलेजेस में हमारा स्टार्ट हुआ था एंड द प्रोग्राम वॉज कॉम्प्रिहेंसिव एंड देयरफॉर इट इज स्ट्रेस्ड द डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल इन एवरी एस्पेक्ट. सो बेसिकली वही चीज है कि इन्होंने ऑलराउंड डेवलपमेंट को देखा है वहां पर, द डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल इन लाइक एवरी एस्पेक्ट, राइट? इवन ट्राई टू प्रमोट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सो दैट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कुड बी स्ट्रेंथन्ड एंड द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी इम्प्रूव्ड, राइट? सो उन्होंने कोशिश भी की है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ साथ वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि अगर आपका एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग होगा दैट मीन्स आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और जिससे कि आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो पाए, राइट? इफ द विलेजर्स हैव देयर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स मतलब एग्रीकल्चर से डायरेक्ट वो प्रोपोर्शनल हो रहा है कि अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा है दैट मीन्स यू आर अर्निंग मोर एंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड, राइट? So this is all about the Broda experiment which we have discussed in it. So we have discussed here the two experiments, that is the Broda experiment as well as the Marthandam experiment, which was started by Dr. Spencer Hedge, which was an American agriculture expert, and it was started in 1921 and this was started in 1932 by the V.T. Krishnamachari. So this is all about the Broda experiment and the this Marthandam experiment. So hope you will like it, this video. Keep sharing, keep loving. So thank you so much. Please subscribe to this channel. Thank you.